विधानसभा में ये एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। मैं मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शराब घोटाले में लिप्त होने के बाद भी जो आपकी स्ट्रेटजी थी कि हम दिल्ली और देश की जनता का ध्यान भटका देते हैं और पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं, उसमें वो थोड़ा बहुत सफल हुए हैं। इस पूरी स्ट्रेटजी के लिए, इस पूरे ड्रामा के लिए मैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को ही थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद में रोते हैं, उसके बाद में चिल्लाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मुझे थप्पड़ किसने मारा। ये झूठ इस प्रकार का बोलते हैं कि उसमें 19-20 का अंतर नहीं होता, उसमें जीरो और हजार का अंतर होता है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मॉडल भी इनके पास है, मगर इनके मंत्री, इनकी धर्मपत्नी, इनके विधायक, सांसद वो उसका लाभ नहीं उठाते। तो केवल अंतर 19-20 का नहीं है, जीरो हजार का है। मगर हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ है और हमें पीड़ा हुई है कि हमारे दिल्ली के सांसदों को किसी ने खरीदने की कोशिश की है। जब तक हमारी पीड़ा खत्म नहीं होगी और दोषियों को जेल के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। क्योंकि वो दिल्ली के विधायक हैं, अगर हमारे विधायकों को अगर किसी ने खरीदने की कोशिश करी, इतनी जरूरत करी, तो हम उसे माफ नहीं करेंगे और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल्ली के विधायकों का सहयोग करेंगे हम सारे सांसद कि उनको पकड़ना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को ही थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद में रोते हैं, उसके बाद में चिल्लाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मुझे थप्पड़ किसने मारा। ये झूठ इस प्रकार का बोलते हैं कि उसमें 19-20 का अंतर नहीं होता, उसमें जीरो और हजार का अंतर होता है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मॉडल भी इनके पास है, मगर इनके मंत्री, इनकी धर्मपत्नी, इनके विधायक, सांसद वो उसका लाभ नहीं उठाते। तो केवल अंतर 19-20 का नहीं है, जीरो हजार का है।